विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि जनता की सेवा करना ही मेरा कर्म है। जन सेवक के तौर पर मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से हल किया जाएगा। लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख में उनका साथ देता रहूंगा। ये बात उन्होंने मटियाणी जंगल रोपा नारा में लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से वह विजय हासिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ कार्यकर्ता तथा समर्थक मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जाकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। इस अवसर पर भाजपा की घोषणा पत्र में शामिल कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत करवाया गया। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने हर एक वर्ग का विकास करवाया है। इस बार भाजपा की सरकार बनना तय है। सरकार बनने के बाद हर एक वर्ग का चहुमुखी विकास करवाया जाएगा। भाजपा प्रत्याशी ने ग्राम केंद्र मठाणी के बूथ मठाणी एक मठाणी दो जंगल रोपा नारा में जनसंपर्क अभियान किया। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया जो कि पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस ने इससे पहले भी अपने घोषणा पत्रों के जरिए लोगों को ठगा है। इस बार भी कांग्रेस इसी प्रयास में है, लेकिन जनता सबको भली भांति जानती है। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि झूठे वायदे न करके वास्तविक रूप में मेरा लक्ष्य जनता की सेवा करना है। पिछले घोषणा पत्र के 108 बिंदुओं पर कांग्रेस सरकार काम भी शुरू नहीं कर पाई है। लोग नहीं भूले कि कांग्रेस ने 2003 में घोषणा पत्र में घर के एक व्यक्ति को नौकरी देने का वायदा किया था। उन्होंने लोगों से विकास के नाम पर समर्थन मांगा। मोदी जी ने साफ कहा है, ना मैं खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई हुई है। जो मोदी जी इस देश के लिए कर रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं, बहुत कुछ है। आज भी आजादी के बाद 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का बल्ब नहीं चलता है। 70 साल की आजादी के बाद फिर कहते हैं कि हमारा विकास हो गया। 4 करोड़ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर में बिजली नहीं है, बल्ब नहीं जलता वहां पे। मोदी जी ने सुनिश्चित किया है कि मेरी साल 5 रहते रहते हर घर में बिजली का बल्ब जलेगा। एजुकेशन का हब है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन एक मेडिकल कॉलेज की कमी थी। अगले साल से जमीन मिले ना मिले, आपकी मेडिकल कॉलेज क्लास हमीरपुर में चल रही है। रेलवे लाइन 250 करोड़ रुपए की मंजूर हो चुकी है, सर्वे हो चुका है। जब हमीरपुर रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए, यही 2 चीजों की कमी थी, वो भी कुछ समय में हमीरपुर को मिल जाएगी। पहले आप में से लोग गए होंगे, बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल का शिलान्यास मोदी जी ने रखा, छोटी बात नहीं है। 1000 बेडेड हॉस्पिटल इक्विप्ड विद ऑल द फैसिलिटीज, हर प्रकार का इलाज। एक छोटे से प्रदेश के लिए एम्स हॉस्पिटल मिलना बहुत बड़ी बात है। किलोमीटर की दूर आपको बिलासपुर में काम शुरू हो चुका है। बिलासपुर में